प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। तो एक बड़ा प्रिय प्रश्न आया है किसी का, और ये कहते हैं कि रेजोल्यूशन के लिए मोटिवेट तो हो गए हैं, पिछला साल थोड़ा सा उनके लिए संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन आने वाले साल के लिए वो साइकोलॉजिकल तो मोटिवेट हो रखे हैं, लेकिन जो रियलिटी है जीवन की वो बड़ी पीड़ादायक है, वो बहुत कष्टदायक है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, और फिर उस सिचुएशन से, उस कष्टदायक सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो भाव है, जो एक इमोशन है अपने आप को मोटिवेट करना, ये आपको आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये आपको जीवंत होने का एक आपका चिन्ह है कि आप जीवित हैं, आप जी रहे हैं। अपने आप को मोटिवेट करना ये एक पहला स्टेप होता है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का और उसको प्राप्त करने का। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही प्रॉब्लम अपना उनका एक तरीका होता है आपको परेशान करने का। अब आप कहते हैं कि मैं साइकोलॉजिकली तो मैं ठीक हूँ, मेरा माइंड रिसेप्टिव है, मैं मानता हूँ कि पिछला साल थोड़ा दुखदायक था और नए साल के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, लेकिन कुछ वास्तविकता हो सकती है, धन की मुसीबत हो सकती है, रिश्तों की वास्तव में कोई समस्या हो सकती है, कोई काम एक रियलिटी रूप में अटका हुआ होगा, तो उसमें मोटिवेशन से तो बात बनने वाली नहीं है, वहां पे तो कुछ आपको और करना होगा। ऐसी स्थिति में आपके पास एक और बहुत बड़ा शस्त्र होता है जिसे कहते हैं प्रार्थना। आपका मन है काम करने का, काम करते जाना है आपको, आपका ये आपका कर्तव्य है अपने आप को सदैव आपने अपने आप को उत्साहित बनाए रखना है, कभी भी नीचे नहीं गिरने देनी होती अपनी शक्ति, वो भी आप करने वाले हैं। और इतना करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि बाहर की चीजें, बाहर की जो परिस्थितियां, वो आपके अनुकूल नहीं हो पा रही, बदल नहीं रही, या आपके लिए लाभ नहीं दे पा रही, या आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा, ऐसी स्थिति में आपने प्रार्थनाओं का आपने साथ लेना है। कोई भी प्रार्थना इस संसार में अनसुनी नहीं होती है, वो सुनी जाती है, उसका जो फल है कई बार एकदम से मिल जाता है, कई बार थोड़ा समय लग जाता है। तो आपने नित्य निरंतर प्रार्थनाएं करते रहना है, इस ब्रह्मांड से ये यूनिवर्स आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है, आज नहीं तो कल आपको इसका फल जरूर प्राप्त होगा। काम करते जाना है और खूब उमंग से काम करना है, और जिसे कहते हैं माइंडफुल होके अपने आप को उसी समय में पूरी तरह इन्वॉल्व करोगे तो पूरी एनर्जी लगती है, फिर ऐसा होता नहीं है कि काम पूरा ना हो, अच्छा ना हो, पूरी एनर्जी उस काम में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है काम रुका हुआ, जैसा आपने प्रश्न किया कि मेरा तब भी काम रुका होता है, अब आपने साथ लेना है प्रार्थना। प्रार्थनाओं में गहरे उतर जाओ, जितने आप इस प्रार्थना के साथ, जैसे आप बॉडी माइंड स्पिरिट को अलाइन करते हैं, ऐसे ही प्रार्थनाओं के साथ अलाइन हो जाओ। जिस दिन आप अपनी प्रार्थना के साथ पूरी तरह से लय में आ जाओगे, आपका हर कार्य पूरा होगा, और नया नया वर्ष है, नया उत्साह हो, नया तरीका हो, आपने उलझन में नहीं पड़ना है, अपने आप को रोकना नहीं है, गिल्ट नहीं रखनी किसी भी तरह से, कोई कष्ट मन में नहीं रखना, काम अच्छा नहीं होता है। तो अच्छी उमंग से, अच्छे उत्साह से नए साल में एंटर कर जाओ और खूब आगे बढ़ो, ऐसे मेरी भगवती से प्रार्थना। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, प्रणाम।